पड़ने लगी। अभी आप देख रहे थे रामचंद्र जांगड़ा जो है यहाँ से निकले थे अभी अभी, और भारी संख्या में ये किसान और किसानों के पुत्र जो है वो सड़क के ऊपर जा करके गिर गए थे। गाड़ी को विरोध कर रहे थे, गाड़ी को रोक रहे थे, गाड़ी के बिल्कुल आगे लेट गए किसान, जान जोखिम में डाल करके देख रहे थे अभी आप बिल्कुल लाइव जो है इस तरीके से गिरे हुए थे सामने किसानों के ये बच्चे और किसान जो है वो लगातार आप देख रहे थे रामचंद्र जांगड़ा का जो है वो विरोध कर रहे थे। जैसे ही स्कूल में से वापस निकले रामचंद्र जांगड़ा बच्चे जो है ये सामने लेट गए गाड़ी के, और इतनी निर्दयता के साथ गाड़ी बिल्कुल ऊपर ही चढ़ा दी गई थी बुरी तरीके से। बिल्कुल आगे गया, गाड़ी के आगे लेट गए बिल्कुल। मेरे ऊपर से गाड़ी उतारने का काम रामचंद्र जांगड़ा ड्राइवर ने किया भाई, इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इसको किसानों में गाड़ी चलाना कौन सा किसानों के पास सुननी चाहिए। आज इस भाई की जान बची है, किसान परिवार से आते हैं और ये इसका खामे तो इसका जांगड़ा को भुगतना पड़ेगा। किसान इसका जवाब देंगे आने वाले समय में। अभी किसान भाई अपना भुगतवा के दिखाऊंगे। परंतु क्योंकि आप कह रहे खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो राज्यसभा से जाते आते हैं रामचंद्र जांगड़ा क्योंकि वोट मांगने गाड़ी जो है वो किसानों के ऊपर से उतार करके रामचंद्र जांगड़ा निकले हैं। बिल्कुल तस्वीरें जो है लाइव आप देख रहे थे। यहाँ पे जो है दो तीन नौजवानों को चोटें भी आई हैं क्योंकि गाड़ी जो है उनके ऊपर से उतारी गई, बम्पर में जो है वो नौजवान फंस गए थे और
बिल्कुल निर्दयता के साथ जो है गाड़ी को बिल्कुल ऊपर से उतारा गया है। किसी तरीके का शर्म वो जो होता है एक संवेदना, वो संवेदनाएं भी यहाँ पे नहीं रखी गई हैं। जब नौजवान आगे लेटे हुए थे, पुलिस उनको हटाने का काम कर रहे थे, परंतु ड्राइवर या फिर रामचंद्र जांगड़ा ने उनको नहीं रोका कि भाई गाड़ी इनके ऊपर से ना उतारे, बिल्कुल निर्दयता के साथ। क्योंकि लगातार जो है पुलिस का जमावड़ा अभी और बढ़ रहा है और किसान में रोष जो है वो लगातार नजर आ रहा है इस बात को लेकर के जो किया गया है यहाँ पे, जिस तरीके से गाड़ी को ऊपर से उतारने का जो प्रयास किया गया, प्रयास लगा बस जो है जो बम्पर था गाड़ी का उसके अंदर जो किसान थे वो फंस ही गए थे, परंतु किसी तरीके से किसानों ने उनको सामने से हटाया और चोट लगने से जो है बचे हैं, परंतु अभी बाद में पता चलेगा कितनी चोटें आई है कितनी नहीं आई है, परंतु गाड़ी जो है वो लगभग जो है उतार ही दी थी। एक बार फिर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी हंगामा। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रामचंद्र जांगड़ा इस सरस्वती स्कूल से बाहर आए, तो जैसे ही वो बाहर आए किसान जो है और किसानों के बच्चे वो गाड़ी के सामने लेट गए और उन्होंने उसका विरोध करना जारी रखा, परंतु रामचंद्र जांगड़ा जो कि राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने ड्राइवर को रोकने की बजाय गाड़ी को ऊपर से उतारने का आदेश दिया, या फिर ड्राइवर ने अपने आप उतार दी गाड़ी, किसानों के ऊपर से जो है वो निकाल करके ले गए हैं। अभी जो है अगर जो है यहाँ पे भारी संख्या में जो है वो पुलिस पहुंचे हुआ है, यहाँ पे जो पत्रकार साथी हैं ये भी गाड़ी के नीचे आते हुए बचे हैं, पत्रकार क्योंकि जो है कवर कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को, उनके ऊपर भी से भी गाड़ी उतारने की कोशिश की गई। जी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पत्रकार हैं ये कवर कर रहे थे, तो उनके ऊपर से भी जो है गाड़ी उतारने का प्रयास हुआ है, यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये पत्रकार। जी अगर पत्रकार साथी बात करेंगे तो उनसे भी बात करेंगे हम। जी तो यहाँ पे आप लगातार देख रहे हैं किसानों को, किसान जो है वो भारी रोष में है, जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा कर रहा, जिस तरीके से गाड़ी को उनके ऊपर से उतारने का प्रयास किया गया, बम्पर में जो है वो दो तीन किसान फंस गए थे, परंतु गाड़ी रोकने की बजाय उन्होंने जारी रखी स्पीड में जो है गाड़ी यहाँ से निकली है। जी भारी पुलिस बल जो है मौके पे मौजूद, लाठियों के साथ डंडों के साथ पूरी तैयारी के साथ जो है पुलिस बल यहाँ पे आया है, क्योंकि अंदेशा यही था कि यहाँ पे हंगामा हो सकता है और हुआ भी वैसा ही। किसानों ने विरोध प्रदर्शन जैसे ही रामचंद्र जांगड़ा आए थे तब भी इन्होंने जारी रखा विरोध, और अभी भी एक बार फिर जैसे ही रामचंद्र जांगड़ा यहाँ से निकले हैं इन्होंने अपना विरोध जो है जताया, उन्हें रोकने का प्रयास किया, काले झंडे दिखाए, परंतु जो रामचंद्र जांगड़ा के ड्राइवर थे उन्होंने गाड़ी रोकने की बजाय बहुत स्पीड में जो है किसानों के ऊपर से उतारने का प्रयास किया, जिसमें बम्पर में जो है दो तीन किसान फंस भी गए थे, परंतु स्पीड जो है ड्राइवर ने वो जारी रखी और इसी तरीके से बहुत स्पीड में जो है वो निकले हैं यहाँ से। जी बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया जा चुका है, परंतु अब रोष ये है किसानों में कि हम जो है क्योंकि हमारे ऊपर स्कूल की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो अब इसका भी बहिष्कार हम करेंगे, कैसा ऐसा जो है इनका कहना है। Gracias.
यहाँ पे किसानों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि अभी जो है रामचंद्र जांगड़ा जा चुके हैं तो फिर अब क्यों विरोध किया जा रहा है, कोई भी किसी से भी एक बार बात करेंगे तो रामचंद्र जांगड़ा जो है वो जा चुके हैं तो अब क्यों यहाँ पे बैठे हैं, तो अब तो विरोध खत्म हो जाना चाहिए या फिर जब तक प्रोग्राम रहेगा तब तक रहेंगे, ये प्रोग्राम खत्म संचालक का अगर यही रवैया रहा अगर माफी नहीं मांगी इसका भी विरोध कराएंगे। स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं उनके बबुआ ने उनके माता पिता जाजा घर जाजा के बीच बीच स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, स्कूल का ही बहिष्कार करेंगे, जो स्कूल का अध्यापक ने आगे जो किसान बदतमीजी करने का भुगतना पड़ेगा, इन्होंने प्रोग्राम करवाया इनको समझना चाहिए था हालात कैसे हैं, हालात कैसे हैं और हालात के ऊपर इन्होंने भी समझना चाहिए था जो रवैया किसानों का हुआ ना, किसी का वादा किला किसान बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसान तो किसान होता चाहे वादा किला का हो चाहे वो एक मरले, ये किसान को किसान नहीं मानते, बढ़िया किसान है भाई अपना आधा किला में गुजारा करके अपने घर का पालन पोषण तो कर रहा है, लेकिन सरकार उसको लूटने पे लग रही है और उसकी तो आधा किला भी आवे है खातर अपने बचाव खातर अपने प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। अरे ये स्कूल वाले बिजनेसमैन है, बिजनेस करें अपने इन बलाव रुपये लेने खातर। तो जिस तरीके से गाड़ी रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा सांसद थे उन्होंने किसानों के ऊपर से उतारी उसके ऊपर भी कुछ कहेंगे? बिल्कुल ये सरासर गलत किया और इसका आने वाले समय में यही किसान उसको और नीचे जाने गुजर बेटा क्यों विरोध कर रहे होता, उसको किसानों की बात सुननी चाहिए थी। अच्छा होता है मारती बला बारे बता बेटा ये बिल लूस है और तारती और बहु कह रहे हैं तो हम समझ जाओ कि मेरा हमारा समझ में आ जाए कि मेरा रामचंद्र जांगड़ा सही की बात बताया जाता मामने ये और भाई बहु कह रहे होते मामने फिर मामी ने भी समझा जो काट मंडी में है सारे किसान अब वहीं पहुंचेंगे, चलो रामचंद्र जांगड़ा माफी मांग ले नहीं तो उसके घर का विरोध हम करेंगे। यहाँ पे साफ कहना है किसानों का कि अगर माफी नहीं मांगी तो हम जो है घर का घेराव करेंगे रामचंद्र जांगड़ा का, और साफ साफ शब्दों में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर राज्यसभा सांसद शायद अगर हमारे से बात करते, अगर हमें समझाने का प्रयास करते, हमारे को बताते कि क्या जो है सही है इन कानूनों में तो शायद हम अच्छे से बात भी करते, परंतु वो तानाशाही और जो घमंड है सत्ता का उसके नशे में चूर होकर के उन्होंने इन किसानों के ऊपर से गाड़ी उतारने का काम किया है। कुछ किसानों को चोटें भी यहाँ पे आई हैं, पत्रकार जो है एक साथी उनको भी चोटें आई हैं क्योंकि वो भी उस गाड़ी की चपेट में आ गए थे। तो यहाँ पे ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरीके से विरोध किया गया, जो साथी जुड़े हैं बाद में उनको मैं बता दूं कि सरस्वती स्कूल का जो स्टेडियम है इंडोर स्टेडियम है उसका आज उद्घाटन था जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और साथ में जो है योगेश्वर दत्त जो ख्याति प्राप्त एक पहलवान है और दूसरा जो है उन्होंने अभी पिछले दिनों जो है बड़ौदा से चुनाव भी लड़ा था वो यहाँ पे आना था और उन्होंने यहाँ पे जो है आकर के उनका विरोध किया है। किसानों ने भारी संख्या में जो है किसान पहुँचे, शुरुआत में बहुत कम थे तो अभी जो है आप लाइव तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं कि किसान लगातार विरोध जता रहे हैं, जिस तरीके का तानाशाही की गई है, जिस तरीके का विरोध होना चाहिए था वो लगातार किसानों के द्वारा किया जा रहा है। किसानों में विरोध इस बात का भी है के किसानों को बताया गया कि तुम आधा किले को किसान हो या फिर क्या किसान हो, इस तरीके से डिवाइडेशन भी जो है वो किसानों के साथ यहाँ पे किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि किसान जो है वो काफी रोष में हैं, लगातार जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ पे जुटे हुए हैं, बता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि क्यों जो है किसान कानून वापस लो, कानून वापस लो, किसान एकता जिंदा।
ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है एयरलाइंस का। ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है एयरलाइंस का। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मित्र सरकार मुर्दाबाद, रामचंद्र जांगड़ा मुर्दाबाद। You know what?